कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हाँ चना सब बढ़िया। तो मैं पहले बता रहा हूँ, इस पूरी वीडियो में बकवास करने वाला हूँ मैं। कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए, दिखाने के लिए। क्यों भाई, न्यूज बॉय नियॉन में दोनों ने वीडियो डाली, वो बताना। वो कोई न्यूज होती? छी आथू मेरा तो अब तक। अबे कुछ अच्छी न्यूज दोगे तो चुराने में अच्छा भी लगता है, फिर मैं क्रेडिट भी दू। सुमन गिल सारा अली खान को डेट कर रहा है, मैं कहा वाह, लिख लेता हूँ यूपीएससी में आ जाए। ये चीज तो कब से बात हो रखी है तुम? ये पता है, ये जब मेन स्ट्रीम मीडिया होते जा रहे हैं, एक दिन बाद इनको एहसास होता है कि प्यूडीपाई को मिस्टर बीस ने हरा दिया। आज आर्टिकल छापा सालों ने, मैं कहा तुम हमसे कॉपी कर रहे सालों, कुछ तो शर्म हया रखो। कितना मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मुझसे कौन कॉपी करता है, लगे बड़े। एक तो साले जुल्फे नहीं बड़ी हो रही मेरी, जुल्फे बड़ी होता तो लटे निकाल निकाल के मारूं लोगों को मैं, जैसे घटिया जोक मारते। मेरे घटिया जोक पे जिसने लाइक नहीं किए है उसकी गांड से जो बाल निकलेगा उसी गांड का बाल कहते हैं। ये अच्छा था भाई, अगर बोलने के बाद मैंने सोचा और फिर दिल से आया, अपनी चप्पल अपने मुंह पे मार लेता हूँ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोगों को। पचकड़ो अगली न्यूज़। पता क्या बताया इन्होंने, सौरव जोशी मूवी बनाना चाहता है। उसने बोला ये है, दो साल पहले भाई कुछ सोचा नहीं था कि गाने भी करेंगे, ऐसा कुछ भी करेंगे। मूवी का प्लान है मेरा, मूवी का। कुनाल को भी लेंगे मूवी में, पीयूष को भी लेंगे। वो सोचेगा, इन्होंने बता दिया। अब फिर जिस दिन करेगा ना कि किसी मूवी का पार्ट है तब आ जाएगा। देखो देखो हमने बोला था ना, हाँ हम भविष्यवाणी करते हैं, पकौड़ापन करते हो तुम साले। प्याज का पकौड़ा बना के लो, मुझे पसंद है वो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अबे बताना तो ये बताओ ना कि किंग अपना, किंग जो रैपर है जो हसल में था, वो आ गया मूवी में। उसका गाना मतलब अभी दृश्यम 2 आ रही है ना, उसके लिए गाना गाया है, बट लिरिक्स ले गया अमिताभ भट्टाचार्य ने। मैं कहा है सिर्फ सिंगर बनाने के लिए बुलाया था, किंग का कोई गाना उठा लेते या किंग को ही बोल देते एक रैप लिख दो। नहीं नहीं हम लिख लेंगे, तू बस गा दे, तेरी आवाज पसंद आई हमें। नहीं नहीं वो भी रीजन नहीं है, फैन फॉलोइंग तेरी ज्यादा है, कट्टर है तू, अजबड़ा तेरे चक्कर में चलेगी फिल्म। अभी थोड़े दिन में यशराज मुखाते भी आ जाएगा, वो हो यशराज मुखाते का नाम लेंगे। तौबा तौबा तौबा, गाय से गाना बना रहा है, गाय से। क्यों? क्योंकि चार्ली पूथ का कोई इंटरव्यू देखा था जिमी फैलन में जो मर गया है। बता रहा हूँ, पहले ये तो खत्म कर दो। ओ चार्ली पूथ ने कब से म्यूजिक बना दी थी, तो इसने कहा मैं गाय से बनाएगा। कुत्ता बिल्ली बकरा, अरे चिकन से बना लेते, बिरयानी में काम आ जाती है हमारे बाद में। सही बात है। अबे साले, और जिमी फैलन मरा वरा नहीं है, लोग ट्विटर पर नशे करके बैठते हैं तो सबने शुरू कर दिया रेस्ट इन पीस जिमी फैलन। अमेरिका में चल रहा था ये ट्रेंड, तो उस पर ही उसने बोल दिया कि एलन मस्क देखना मेरा भाई, देखना तेरा प्लेटफॉर्म है देखना। बस फिर क्या था, आग लगी हुई थी, तुमने पेट्रोल का काम कर दिया, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ गया, तो इनको आर्टिकल मिल गया। मैं बता रहा हूँ ये तीनों मिले पड़े हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज बॉय नियॉन तीनों मिले पड़े हैं। साला चुराता भी उनसे, वो गलियाता भी उन्हीं को। सही बात है, गांड फटे तो फटे, नबा भी ना घटे। और एलन मस्क भाई साहब ट्रोलर बनेंगे ट्रोलर। खबर आई है कि उसने दो एम्प्लॉय को हायर बैक कर लिया, और वो एम्प्लॉय है भी नहीं, मतलब वो ना बेसिकली प्रैंकस्टर है जो प्रैंक कर रहे थे। तो जब मास फायरिंग हुई थी तो ये मीडिया पर के सामने आ गई ऑफिस छोड़ते हुए, और फिर बताने लगे कि मुझे भी निकाल दिया गया। तो अब उसके साथ फोटो डाल के कहता है कि हाँ इनको निकालना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और मैं एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बढ़िया, हंसी निकले बंद ही नहीं हो रही मेरी। हाँ आजकल मैंने चिल्लाना छोड़ दिया है, बस ऐसे ही हंसता हूँ मैं। लीव अ लाइक, देखो कितनी खुशी है। क्यों टिके हो, बताया तो था बकवास करूंगा, बीच बीच में न्यूज डालता रहूंगा वो अलग बात है, बट बकवास ही करने आऊँ मैं। थंबनेल में डाल दूंगा इस वीडियो में, कुछ भी न्यूज नहीं है, जबकि न्यूज तो है, तो टेक्निकली झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता मैं। ये क्लीवेज देखोगे, क्लीवेज पे तो लाइक आनी चाहिए है। ओ मेरी ब्रा भी दिख गई, क्या बकवास कर रहा है तू, इज अ बिच ऑफ अ सन। ये बकवास फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत फनी लग जाता है। वहां पे देखो मतलब धोनी ने ना अभी टेनिस चैंपियन कर रहा था, कोई पार्टिसिपेट कर रहा था झारखंड में, वो भी जीत लिया। और एक हमारी इंडियन टीम है, कुत्ते की तरह हार जाते, 10 विकेट से शर्म भी नहीं आती सालों को। हाँ तो धोनी झारखंड ट्रॉफी जीत गया, और अभी तो खबर ये आ रही है कि उसको इंडिया का हेड कोच बनाने वाले हैं। हैं हर चीज में धोनी क्यों घुसे रहते हो, कपिल देव ले आओ फिर। अबे हर चीज में धोनी धोनी क्यों करते रहते हो, मतलब असली न्यूज तो यही थी कि वो क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं उनके सराउंड में रहेगा किसी ना किसी तरीके से। किसी आदमी को महंगा माल मिल गया तो उसने कहा आसपास क्यों रहेगा, हेड कोच ही बना देते हैं। उधर बात चल रही है राहुल द्रविड़ छोड़ के वीवीएस लक्ष्मण जाएगा, जो उसका नेक्स्ट सीरीज होने वाला भी न्यूजीलैंड के साथ है, पता नहीं किसके साथ है। उस सीरीज में राहुल द्रविड़ और सीनियर प्लेयर्स रेस्ट करेंगे, वीवीएस लक्ष्मण करेगा, वो जॉब ही खा गए दोनों की। राहुल द्रविड़ नहीं, वीवीएस लक्ष्मण नहीं, दोनों इधर हो, आपका नाम चलता है ना।
चलेगा ये भी। अरे चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ। चुटिया ही बना लूंगा टाइटल में डाल दूंगा हाउ टू मेक चुटिया। लोग पढ़ेंगे तुम्हें मालूम है क्या पढ़ेंगे वो शायद उसी पे व्यूज आ जाए हाउ टू मेक। ये क्या बता रहे हो, हमें नहीं मालूम। अलग अलग थोड़ी एनर्जी की क्या बोल दिया, कहता यही चाहिए यही चाहिए। लाइक नहीं हुआ फिर भी तुमसे, बैंक के व्यूज कहाँ है। चले लाइक 200 बढ़ाए तो व्यूज 3000 कम कर दिए, शर्म नहीं आई है। तुझे शर्म ना बिल्कुल आई, किसी से अब क्या कहना। बस बाकी कोई ढक्की न्यूज नहीं है। न्यूज मैन बता रहा है कि कोई यूट्यूबर था उसने चमगादड़ खा लिया तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अभी उसे 5 साल की जेल की सजा दे दी। मैं कहा एक मिनट 5 साल, अबे उम्र भर कर, पहले उसकी टेस्टिंग कर और जेल में उसको अलग से वार्ड देना, साले बोरियत से मारना उसको। साले इतनी बोरियत तो मेरी वीडियो में नहीं होती, बट मैं खा रहा चमगादड़, चमगादड़ खाएंगे ये खा ले मेरा हरामन। इसके अलावा रफ्तार की EP आ चुकी है, मेरे ख्याल से EP है ना, पता नहीं क्या है। अबे हार्ड ड्राइव करके एल्बम डाल दी उसने, 8-7 गाने उसमें, 7 गाने हैं उसमें। बादशाह का कैमियो है, मतलब कैमियो बादशाह के साथ कोलैब है, जो गाना मुझे अच्छा लगा है, बाकी मैंने सुने नहीं क्यों कौन बैठ के सुनेगा। पहले वाला गाना सुना मैं क्या है, दो फैमिली पकड़ ली उसी पर रैप मार रहे हो। रैप अच्छा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, दोनों ब्रिलियंट राइटर हैं। कोई कह रहा था कि रफ्तार बहुत ब्रिलियंट राइटर है, मैं कहा एक मिनट बादशाह की बात सुनना है, बादशाह से बेस्ट रैप राइटर मैंने आज तक नहीं देखा, राइटर नहीं देखा उसमें, उससे बेटर मैंने मे बी वो झलक सृष्टि तावड़े में दिख जाती है मुझे, बट राइटिंग और राइमिंग बादशाह आज भी मेरे को बेस्ट लगता है। उसके बाद रफ्तार को मैं काउंट कर सकता हूँ, सेम लेवल पे भी नहीं। अभी रफ्तार के फैन गुस्सा हो जाएंगे, रफ्तार भाई है मेरा ठीक है, बट बैठ गया क्या है ये शाउट आउट दे रहे मुझे, मतलब कोई सेंस थोड़ी बनता है। और क्या डाल दूंगा टाइटल में, रफ्तार गेव मी शाउट आउट इन हिज सॉन्ग। दिया है भाई, मेरा असली नाम क्या है, करो अभिषेक मेरा। मैं नहीं करता अभिषेक, साले आधे से ज्यादा लोगों को ना अभिषेक की मीनिंग नहीं मालूम है, तुम क्लियर करते जा रहे हो क्या सेंस है अभिषेक का। बहुत सारे अभिषेक घूम रहे दुनिया भर में, और नीचे मुझे कुछ और करो, अयोध्या करो। अब नहीं मानेंगे, एक दिन छुट्टियां बना के आ जाऊं, सोच रहा हूँ गंजा हो जाओ फिर से, क्या कहते हो तुम। मतलब मिडल रख लूँ, फौजी कट जो मैं रखता हूँ नॉर्मली, वो पे आऊँ या गंजा हो जाऊँ या बाल बढ़ाता रहूँ, तुम बताओ। चलो 2000 लाइक करो, किस लिए कर दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा, कौन सा पैसे मांग रहा हूँ सालो क्या किस लिए पागल है क्या तू, कमेंट करके बता ना मुझे क्या करना है, बाल सही लग रहे हैं कि चेंज करना है स्टाइल। अब पूछेगा कोई कि भाई तू बढ़ा क्यों रहा है, ऐसी सेक्सी लग रहा था जो बच्चे खुश हैं उस पर ही खुश रहना चाहता हूँ, बचपन से चाहती बढ़ाने की, लंबे बाल रखने की, तब बाल थे तो बड़े करने नहीं दिए, कहते झुग्गी वाला लगेगा, अब नहीं है तो कोई रोक टोक भी नहीं है। मैं कहता जो भी है जितना भी है उसमें खुश रहूँगा मैं, बढ़ाऊँगा मैं। और साले आगे के पार्ट देख के खुश मत हुआ करो कि देखो गंजा बाल उड़ा रहा है, टोपी पहन लेंगे तो फिर पीछे का ही दिखेगा, ठीक है बकवास नहीं चाहिए, यही नहीं बने हम। आज भी किसी को समझ में आया CLWL का मतलब क्या होता है, वरना कमेंट में फिर आ जाओगे भाई CLWL खेल के होते चुप है, आओ तुम्हें गालियाँ देते हैं। कल का टॉप कमेंट है ज्ञानी इज जैम, ज्ञानी इज अ जैम। हाँ तो लगा के ब्रेड पे खा जा ना मुझे जैम, ये ज्वेलरी बना के पहन ले साले कुछ भी। यानी भाई आपकी न्यूज देख के मजा आ जाता है, आई कांट स्टॉप लाफिंग। मैं अपनी बातों पे नहीं हंसता, तुझे किस बात की हंसी हो, कौन सा चैनल देख रहा तू है, स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है यहाँ पे, मुजरा चल रहा है यहाँ पे, जुट्ठा रख रुक नहीं रही तेरी हंसी की। लेजेंड वॉच न्यूज बॉय वीडियो, प्रो लेजेंड वॉच नियॉन मैन वीडियो, CLWL वॉच ज्ञानीज वीडियो, तुझे क्या है। मेरी ब्रोसियना को CLWL बोलने का हक सिर्फ मुझे है, हैं तू कौन बे, तू तो असली वाला CLWL है, शॉर्ट बनाता है ऊपर से मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, नाम इस बंदे का मोहित शॉर्ट्स, तू तो पक्का वाला सर्टिफाइड है, तेरी इस वाली सर्वे का कोई रिजल्ट नहीं है बट तेरा तो है रिजल्ट। ज्ञानी इज बैक भाई, मैं 1 तारीख को ही आ गया था, 1 तारीख को ही आ गया था, बीच में एक दिन छुट्टी भी मार लिया मैंने, ज्ञानी इज बैक, गया कहाँ हूँ मैं। इस बंदे ने तो पक्का नशा कर रखा है, ये दोनों का ही मुझे लग रहा है। एक कह रहा है प्लीज दमन मूवी देखो मास्टरपीस है, तो खा ले ना मास्टरपीस है, अरे तो म्यूजियम में डाल, मुझे क्या बता रहा है। दूसरा कह रहा है हेलो फ्रॉम माय साइड, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट मीट। भाई सब दिल से है, तेरी माँ छोड़ के गई थी तेरा बाप साले, चिकन खा, चिकन छोड़ दे भाई, मैं वेजिटेरियन हूँ, सब बनता तो खा लेता हूँ, वो अलग बात है, बोलने के लिए वेजिटेरियन हूँ, बनता तो खा लेता हूँ मैं, बट वो पहले वाला वो नहीं रहा, क्या कहते हैं उसे, पहले जितना पसंद था उतना नहीं है, वरना 2000 क्या मोस्टली मैं चिकन ही प्रेफर करता हूँ, मतलब जब नेपाल में भी गया तो भी बिरयानी खा था, जब पहला ट्रिप मारा था तो भी मैं सिर्फ बिरयानी पे ही था क्योंकि चिकन ही है ना, पता नहीं क्या है, कुछ आदमी भी खिला देंगे क्या ही पता चलेगा। नेपाल में एक डिश खाई थी मैंने नॉन वेज, जो मुझे आज तक नहीं पता, वो कहते थे बकरा है, मैं कहा मेरे को तो ना बना दिया बकरा तुमने कुछ और खिला के है, अबे वो लोग खाते ना बत्तख वत्तख भी खाते हैं लोग,
खाते ना सारे नेपाली लोगों के अंदर से निकल गया, लगता है फ्रिज और सूटकेस लेके आना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा ज्ञानी वापस कब आएगा। अबे कल से ये सूटकेस और फ्रिज वाला जोक मारने जा रहा हूँ, कल मैं अपनी वाली से बात करता हूँ उसको भी मैं यही जोक कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ नया फ्रिज लेने की, मैं दिल किया ट्विटर पर लिख देता हूँ, फिर मैं ट्विटर पर लिख दूंगा ना साली पुलिस कंप्लेंट ना कर दे कि देख लो इसके मन में खोट है। अबे मेरे मन में नहीं कहीं भी खोट नहीं है, सिर्फ एक जगह जहाँ से आता हूँ मैं, खेत तो बहुत सारे मेरे पास। चलो बाय, 15 मिनट रिकॉर्ड किया देखी जाएगी, चलो पीस आउट, लाइक कर देना, बाकी मन नहीं आज लाइव स्ट्रीम का, छोड़ो पीस।